हमार सब पिन्ह के ले जाके के अदे दो अ हमारा आज ले के आज मुखिया मिल रहे पंद्रह लाख रुपया रूपया गरीब एक पैसा मुखिया फिफ्टी परसेंट से भी बहुत कम सामान निकल बाकी गंडक में सब चला गया सब विलोपित हुआ आज भी लोग तरा तरह है नमस्कार गोपालगंज हम राज्य आय बनी बरौली क्षेत्र के मंगुराहा गांव में जहां इ गांव कटाव से जन प्रभावित बा प्रत्येक दिन जन लागल रहा घर गंडक नदी में विलीन हो गए घर में रहे वाला लोग जहां तहा अपन पलानी गिरा के प्लास्टिक गिरा के रहता कहा लोग रहत केने बांध पे चल बा जहां तहा ऊंचा स्थान पर लोग अपन प्लास्टिक तान के आ गुजर बसर कितना तो कितना दिन से लगभग कटाव बा घर कट करी सन अरे गंडक में पानी आइल वही बार से कटाओ तीन चार महीना से कटाव यहाँ चार महीना से शुरू बा तो अभी भी कटाव चलता अभी भी कटाव गिरते बटे ललन मोड़ के नजदीक ये आ गई कटाव कितना किलोमीटर तक आ गई चार किलोमीटर पांच किलोमीटर ढा दल गंडक नदी कटाव के खातिर का व्यवस्था कइल गो रहे सरकार के कोनो एब कोनो व्यवस्था नहीं के पर कोनो ध्यान नहीं के जोन बचल बा त तो उनो के ने से दी जे जो चुकी जोन कोट गल गांव बिलिन तो हो गए त हो गइल जोन बचल बा उ तो कम से कम सुरक्षित रहित मताई क्या व्यवस्था कइल गो रहे सरकार के स्तर से कटाव लगाओ कोई व्यवस्था सरकार ने हमने, हमने गंडक में पड़ल सो ना कोई देखा एगो पली देता ना हमने पांच छह महीना दिन हो गए को सुविधा देवे ने ने ना जी दी रोड पर डांडर आदमी मचान गड़गड़ के आदमी बा कोई सरकार देखे नी एगो पली दे दी चाहे बाबू कन खाने पीने के दे दी कोई व्यवस्था कर कुछ नु न बबूआल पहले हमी के रोप

कहा हाँ। हाँ। को गुआता सब लोग अपन अपन माल जाल लेके के रोड पे घूमता मरता मुखिया के मिल मिले पंद्रह लाख रुपया के पैसा मुखिया तो कहे मुखिया जी नहीं सब घोट के बैठ गए कितना दुनिया गिर गई सरकार दी कहता रे सरकार दी रहे

अपना मिले मिलते मिलत जा मिलल दू चार चार सौ पांच सौ अब साफा नहीं खे मिलो दू चार महीना से आज तक न यहाँ कोई एमपी आया है न कोई विधायक आया है न कोई मुखिया आया है न कोई जिला परिषद आया है कोई देखने वाला ये जनता के नहीं खे आ न कोई सुनी जाती है जहे तह यहाँ से खेत में से लगा के दूसरा जगह लोग जाके अपना झोपड़ी प्लानी नाली कुचले में आज भी पड़ा हुआ सामने है कोई ऐसा नहीं कोई छुपी लुकी बात हो अब हम लोग के मांग यही है कि जो शेष चला गया चला गया जो शेष बच गया इसको बचाया जाए जो जनता इसे बेघर के पड़ी है इनको कहीं स्थान दिया जाए इनको व्यवस्था किया जाए ये सरकार से हम लोग के मांग बा का विधायक से मांग बा के मुखिया से मांग बा बाकीर जो है चिला के यहाँ जनता थक गई है आवाज लगा के कोई नाव तो नहीं मुहैया कराया है कहीं कुछ नहीं हुई है लेकिन एक ओनली फोर जो है मुखिया प्रताशी के चुनाव जो लड़ते हैं विनोद सहनी वो विनोद सहनी आज ये रोड के भूमिका निभाए हैं आज नाव के थोड़ा बहुत व्यवस्था कराए होंगे चाहे जहां से भी कराए होंगे जिस तरीका से ले आए होंगे जिससे भी ले आए होंगे चाहे कोई विधायक से ले आए होंगे चाहे कोई एम से ले आएंगे चाहे, आए चाहे अपना स्तर से व्यवस्था जो विनोद सहनी किए हैं और उसके अलावा ये रोड अगर नहीं बना होता उन्होंने मेहनत नहीं किया होता या हम लोग मेहनत नहीं किए होते तो हम लोग सिर्फ कपड़ा भी दे पर के नहीं जाता बल्कि शेष जो लोग मचा है वो भी गंडक में चला जाता माल जाल जिया जनावर सब जो लोग चला गया एक भी यहाँ सामान नहीं निकलने के उपाय मतलब कोई व्यवस्था था उसमें भी समझ लिए कि फिफ्टी परसेंट नहीं फिफ्टी परसेंट से भी बहुत कम सामान निकल बाकी गंडक में सब चला गया है सब विलोपित है आज भी लोग तरह तरह है लोग रास्ता देखा था कि सरकार कुछ व्यवस्था करे कोई आवे कुछ व्यवस्था करे यही हम लोग का मांग है आखिरी कि जो बच गया है इसको व्यवस्था किया जाए और जो जनता यहाँ पड़ी है बेघर को इनको स्थान कहीं दिया जाए अभी कितना घर लगभग बच गए चार, स, चार, चार सब। टोला कटा है चार गो टोला में कम से कम ना तो पाँच छह सौ घर गंगा जी में विलीन हो गयल बा सरकार के कोनो व्यवस्था नहीं के मिलल ना कोनो सुविधा ना को सामग्री पब्लिक वहीं भूखे मरत रला अपन सामान केहू तरह से हटावत हटात रला जहा आ कोनो सरकार के कोनो भी प्रतिनिधि चाहे कोनो भी सरकार के, के, के एम पी न एम एल ए न विधायक कोई नही की हाँ यहाँ के लोग भूखे मरता कुछ सामग्री भी कम से कम बटा कुछ दिया कुछ कुछ सामान दिया रहे खाती कुछ दिया कुछ भी उपलब्ध नहीं खे नही बात आ कम से कम से अभी से भी जोन गाँव बच गए बा कम से कम दस टोला बचल बा दस बारह टोला बचल बा अभी से भी सुरक्षा हो के रोकल जाये जो बच गए सहनी के टोला में रहे वाला लोग बा जहां चार से पाँच सौ घर गंडक नदी में विलीन हो गए कटाव लगातार तीन से चार महीना तक लागल रह गये जौना से एक एक घर कटत गये गंडक नदी में समात गए फिलहाल पाँच ऐसी दस घर बचल बा जौना घर में पचीस से तीस लोग बा बाकी घर जो कट गये उ गाँव में छोड़ के बांध पर दूसरा घर में हित ही, तो ही में रहता बहुत समस्या के बीच रह कुछ लोग के आरोप भी बा पंचायत के मुखिया जी के द्वारा कोनो सरकारी फंड के लाभ नहीं खेदल गयी ना ही कोनो प्रकार के बाढ़ राहत के द्वारा मदद पहुंचल बा। वीडियो ज़्यादा शेयर करी वीडियो यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख के मिली धन्यवाद